पिछली बार जब हम वर्चुअली जुड़े थे तो मैंने पंजाब सरकार के कुछ फिगर्स हैं, आंकड़े जो उन्होंने आगे रखे, बाय देयर ओन एडमिशन दे क्लेम दैट दे हैड प्रोक्योर्ड 4.29 लाख डोजेस ऑफ कोविशील्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 13.25 करोड़, जिसका अगर आप एवरेज निकालें तो वो बनती है 309 रुपए पर डोज. एंड दे हैड प्रोक्योर्ड 1,14,190 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 4.70 करोड़, जिसकी एवरेज कॉस्ट बनती है 412 रुपीज 412 रुपए पर डोज. ८० प्रतिशत जो प्रोक्योरमेंट हुई है कोविशील्ड की 309 रुपए पे, जो प्रॉफिटेरिंग का फिगर निकलता है दैट हैज बीन मच हायर देन द फिगर रिपोर्टेड. दैट्स द फर्स्ट सबमिशन आई मेक टू यू. इन्होंने आगे जो 309 रुपए की डोज प्रोक्योर करने के बाद प्राइवेट अस्पतालों को 40 लाख में से 30 लाख तो शायद एक ही अस्पताल को दिए उन्होंने, 1,060 रुपए पे बेचा है तो उसमें 750 रुपए पर डोज प्रॉफिट निकलता है. मेरा मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को दोहराने का नहीं है, बिकॉज वहां पे कई किस्म की वो कहते हैं कोई फतेह किट स्कैम हुआ है. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स, बट मैं आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस. इनके यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने बयान दिया उसके बाद कि अगर हम वैक्सीन को कंसेशनल रेट पे लेके, जो मुफ्त बांटनी जानी चाहिए लाभार्थियों को दे देनी चाहिए, अगर हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दें, अस्पताल को दें, और उसका जो मुनाफा है उसको हम वैक्सीन फंड में डाल दें, सो इट इज नॉट प्रॉफिटेयरिंग. ये एक एमपी का बयान है. अब सेंटर सप्लाई कर रहा है आपको वैक्सीन, लाभार्थियों को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अप टू नो कॉस्ट टू दी बेनिफिशियरी, उसको आप प्राइवेट सेक्टर की लेयर्स ऑफ प्रॉफिट. कुछ हमें रिपोर्ट्स मिली कि जो दो अस्पताल हैं चंडीगढ़ में, शायद मैक्स एंड फोर्टिस इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वहां पे तो द कॉस्ट ऑफ द डोज वॉज 3,200 रुपया. एनीवे इन्होंने ये बयान दिया, साथ में ये भी इन्होंने एक नई दुकान खोल रही है, वो है कि वो सिखी पे सर्टिफिकेट देते हैं कौन असली सिख है और कौन नहीं है, उसमें मैं आता हूं दो मिनट में. पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके अपनी पार्टी के एक व्यक्ति हैं जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा भाई ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए था. तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर दीज पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज. सम ऑफ देम थिंक दैट प्रॉफिटेयरिंग ऑन सेंट्रली सप्लाइड मेडिसिन इज लेजिटिमेट. अच्छा, उनके जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने तो शायद स्टेटमेंट दिया कि मेरा इससे लेना देना ही कुछ नहीं है, सो मे बी ही ट्राइड संबित जी टू पुट इट ऑन द सिविल सर्वेंट. मैं तो 39 ईयर्स आई वॉज अ सिविल सर्वेंट एंड आई हैव नॉट कम अक्रॉस वन सिविल सर्वेंट जो ऐसा काम ऐसे समय अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की अनुमति के बगैर उनमें करने का ऐसा दम हो. पहली बात.